अपनी बात। देखिए, लास्ट टाइम मैंने कुछ रिफ्लेक्शन के हवाले से आपको पढ़ाया था, और रिफ्लेक्शन के कुछ शायद क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे P1 के। अच्छा, आज हमारा टॉपिक होगा, पर्टिकुलरली हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, और रिफ्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्रैक्शन में क्या है, रिफ्रैक्शन आज का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन में क्या है इसको देखते हैं। देखिए, लेट सपोज आई हैव अ ग्लास स्लैब, मतलब ये कोई ग्लास स्लैब है मेरे पास, अच्छा ये ग्लास स्लैब है, मतलब ये ग्लास स्लैब है भाई, यहाँ पे ये ग्लास है और ये बाहर जितना भी एरिया है ये एयर है, ठीक है, और ग्लास भी बोल सकते हैं, और ग्लास ना बोले तो ग्लास के अलावा हम इसको मोर डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, मतलब मैंने ग्लास स्लैब या ग्लास ब्लॉक अज्यूम किया है, इसको ग्लास ब्लॉक बोल दें या इसको बोलेंगे मोर डेंसर मीडियम। मोर डेंसर मीडियम या इसको बोलते हैं स्लो मीडियम, अभी बताता हूँ स्लो का मतलब क्या है, स्लोअर मीडियम भी बोलते हैं। अच्छा, एयर भी बोल सकते हैं, एयर के साथ साथ इसको लेस डेंसर भी बोल सकते हैं, और लेस डेंसर के साथ साथ इसको फास्ट मीडियम भी बोल सकते हैं। अच्छा, फास्ट क्यों बोलेंगे, देखें अगर ये मेरे पास एयर है, ये बाहर ना जितना ब्लैक एरिया के बाहर, बाउंड्री के बाहर एयर है, अगर मैंने यहां से लाइट को लॉन्च किया तो अगर आप लाइट को लॉन्च करते हैं, सपोज आपने लाइट को यहाँ पे लॉन्च किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, सपोज आपने लाइट को यहाँ पे लॉन्च किया इसके अंदर, मतलब यू स्टार्टेड अ लाइट, यहां से आपने लाइट रे को इसमें एंटर किया। अच्छा, जब आपने लाइट को इसमें एंटर किया तो जिस जगह पे लाइट ने जाके स्ट्राइक किया है ग्लास ब्लॉक को, ये क्या बनाया मैंने इसमें, ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल बोलेंगे इस डॉटेड लाइन को, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक हो गई बात। तो नॉर्मल तो मेरे ख्याल से बड़ा रिपीटेटिवली हमारे पास यूज हो गई है टर्म, इससे पहले भी शायद इस्तेमाल हुई थी, उससे पहले भी शायद इस्तेमाल हुई थी, तो इससे रिपीटेटिव टर्म्स, तो खैर नॉर्मल हमने यहाँ पे बनाया, और नॉर्मल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जिस जगह पर रिफ्रैक्शन, अच्छा अभी रिफ्रैक्शन है क्या वो भी देखते हैं, सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, अच्छा अब होगा क्या, लाइट आपकी क्या हो रहा है लाइट के साथ, अगर इस पॉइंट पे देखें तो लाइट आपकी मेरे ख्याल से इसके बाद एंटर हो जाएगी ग्लास में या स्लो मीडियम में एंटर हो जाएगी, हम ये बात शायद कह सकते हैं कि लाइट आपकी स्लो मीडियम में एंटर हो जाएगी, मतलब ये लाइट सोर्स है, ये जो क्रॉस है ना इसका मतलब है कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली और ये ए पॉइंट बोल देता हूँ इसको, ए पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए, हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए लाइट इज चेंजिंग इट्स मीडियम, light is changing its medium, that is from air to glass, या तो ये बोल सकते हैं कि air से glass में जा रही है light, या ये बोल सकते हैं कि less dense से
ये भी बोल सकते हैं कि लेस डेंस मीडियम से लाइट मोर डेंस मीडियम में जा रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फास्ट से स्लो मीडियम में जा रही है। मतलब जितना लेस डेंस मीडियम होगा, जैसे एयर है या वैक्यूम है, उसमें लाइट तेज ट्रेवल करती है कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। अच्छा, अब होगा क्या कि लाइट आपकी मीडियम जब भी चेंज करती है, तो एक प्रिंसिपल है हमारे पास फास्ट। बेटा एफ का मतलब होता है फास्ट, ए का मतलब होता है अवे, एस का मतलब होता है स्लो, और टी का मतलब होता है टूवर्ड्स। जब भी लाइट आपकी स्लो मीडियम में एंटर होती है, तो वो टूवर्ड्स बैंड हो जाती है, यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, हम ये कहेंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, हम ये कहेंगे। ठीक है जी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। अच्छा, अब देखें, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होने का मतलब ये कि लाइट ने नॉर्मली तो ऐसे, मतलब अगर ये ग्लास ब्लॉक ना रखते तो लाइट ऐसे जाती। इफ नो ग्लास ब्लॉक, अगर ग्लास ब्लॉक नहीं रखते ना, तो लाइट आपकी सीधी चलती रहती। मगर अभी क्या होगा, लाइट आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, लाइट आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपने इस पॉइंट पे दोबारा से नॉर्मल बनाया। अब ये पॉइंट बी है। अच्छा, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, आप ये देखें तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा पॉइंट बी पे क्या हो रहा है? एट पॉइंट बी मीडियम चेंज हो रहा है। एट पॉइंट बी मीडियम इज चेंजिंग, ग्लास टू एयर, मीडियम इज चेंजिंग, दैट इज, बिल्कुल, दैट इज ग्लास से लाइट जा रही है एयर में, या अगर ये ना बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट आपकी मोर डेंस मीडियम से, हम ये बोल सकते हैं कि लाइट आपकी मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जा रही है, या लाइट आपकी स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम में जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, अब लाइट कहाँ जा रही है, फास्ट में। जब भी लाइट फास्ट में जाती है तो अवे बैंड होती है, अवे किससे अवे बैंड होगी, नॉर्मल से अवे, यानी कि लाइट अब आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। यानी रिफ्रैक्शन का लफ्जी मतलब बेंडिंग होता है। हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का अगर लफ्जी मतलब कोई मुझसे पूछेगा, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। ये इसकी बेसिक मीनिंग है, साइंटिफिक मीनिंग है रिफ्रैक्शन की। अच्छा, अब देखिए हो क्या रहा है, स्पीड भी स्लो हो रही है, यानी कि लाइट की यहाँ पे स्पीड फास्ट होती है इस जगह पे, सपोज एयर में तकरीबन हम 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड कहते हैं, और ग्लास में एंटर होने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो V1 है और ग्लास में स्पीड V2 है, तो हमें पता है कि V1 ज़्यादा होगा और V2 छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, और यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी F2 है, मगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, और जो लैम्डा है ना यहाँ पे, वो λ1 है और यहाँ पे λ2 है, तो λ1 जो है वो ज्यादा होगा और λ2 जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है जी,
जब भी रिफ्रैक्शन होती है इस तरह से, तो आप याद रखिएगा कि फास्टर मीडियम जो होता है उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, स्लो मीडियम में सारी चीज़ें कम होती हैं, बट फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम होती है। तो बेटा बहुत अच्छे से इसको देख लें आप गौर से, अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो पहले इसमें सवाल अपने पूछें, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बेटा क्वेश्चंस पूछें प्लीज, क्वेश्चंस पूछिएगा अपने अगर किसी के हैं। जी अनाया, बिलाल, हिबा, किंजा, जुनैद, बताइएगा कोई सवाल है आप लोगों का। सर ये लाइट की स्पीड सेम हो जाती है ना वापस ग्लास से निकलने के बाद, यानी 3 × 10⁻¹⁸। हाँ बिल्कुल, असल में देखिए मसला क्या होता है, ये जो आई एंगल बन रहा है ना, मैं भी इसी पे आ रहा था, ये इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये इंसिडेंट एंगल है और ये बाहर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो याद रखिएगा कि अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो अंदर वाला एंगल 20 डिग्रीज होगा, और ये नेक्स्ट एंगल भी 20 डिग्रीज बनेगा, और लाइट वापस भी 30 डिग्रीज पे बाहर आएगी। तो जिस एंगल पे लाइट मीडियम में एंटर होती है उसी एंगल पे लाइट मीडियम से बाहर आती है। अंदर आपने मीनिंग क्यों लिखा है? क्या लिखा है? 20 क्यों लिखा है? अंदर एंगल 20 हो गया ना रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है तो एंगल छोटा हो गया। लेकिन हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट सेम रहते हैं। हाँ नहीं, इमर्जेंट एंगल यानी जिस एंगल पे लाइट बाहर आ रही है वो, और जिस एंगल पे लाइट मीडियम के अंदर जा रही है वो सेम रहता है। ठीक है, एबा क्लियर है? ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा अब देखिए मैं अभी इसको दोबारा से डायग्राम को बनाता हूँ ना, एक दफा और बनाता हूँ। देखिए बेटा होता क्या है कि ये मेरे पास एक ग्लास है। अच्छा ग्लास कोई जरूरी नहीं है, ग्लास बस कोई डेंस मीडियम होना चाहिए। यहां पे लाइट ने जाके स्ट्राइक किया, मैं ऐसे डमी एंगल ले रहा हूँ, कोई भी चीज दिल पे मत लिएगा कि बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट है। ये एंगल अगर 40 है तो लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी ऐसे, तो यहां पे एंगल बन रहा है सपोज 20। तो अब होगा क्या कि ये अंदर वाला एंगल भी 20 होगा, और जब लाइट वापस बाहर आएगी तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसिडेंट एंगल है इस केस के लिए, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर हम अंदर देखें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और अगर अंदर देखें तो अंदर ये वाला एंगल 20 डिग्रीज है तो ये इंसिडेंट कहलाएगा, और ये बाहर वाला लाइट का ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम less denser to more denser। less denser to more denser, और r is greater than i when light moves from more denser to less denser। to less denser। अच्छा I का मतलब है angle of incident, और
और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए हिबा, मेरे ख्याल से इस बात से मैंने मजीद कुछ और क्लियर किया होगा। अच्छा, हम लोग इस एंगल को जिस पे लाइट मीडियम में एंटर हो रही होती है इसको इंसिडेंट बोलते हैं, अगर खाली इसको बोले, और जिससे बाहर निकल रही होती है उसको इमरजेंट भी बोलते हैं। रिफ्रैक्शन तो बोलते हैं मगर साथ के साथ इसको इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, इमरजेंट एंगल। तो इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल हमेशा सेम होता है, यानी जिस एंगल पे लाइट जाती है मीडियम में उसी एंगल पे वापस निकल के बाहर आती है। देखें आप लोग, ये बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है सबको? जी बेटा, क्या कहते हैं आप लोग, सही है? थोड़ा सा यस नो, यस नो अगर बता देंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है टीचर के अंदर भी, के बात कम्युनिकेट हो रही है प्रॉपर या नहीं हो रही। ठीक चलें जी, एक काम करते हैं, एक हकीकत पढ़ते हैं, फैक्ट। अच्छा, ये फैक्ट इतना आता है पेपर में, इतना आता है कि आपकी सोच है, बहुत आता है भाई। ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब में आप अगर लाइट एंटर करते हैं ऐसे, तो ये लाइट तो बैंड नहीं हुई, देखे ये वाली लाइट रे तो बैंड नहीं हो रही, सीधी जा रही है, क्यों? जबकि मीडियम भी चेंज हो रहा है इसका। द लाइट इज चेंजिंग इट्स मीडियम बट स्टिल इट इज नॉट रिफ्रैक्टिंग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? सर, व्हाट इज द मीडियम? व्हाट इज द मीडियम? इट्स ग्लास and this is air and we are entering the light into the air from the air to the glass and the light does not refract at all because we ek particular angle match nahi kar rahi glass ka ek angle hota hai jis pe jab beam of like light guzarti hai ek particular term hai acha wo critical angle nahi nahi wo nahi hai ye wo nahi hai wo cheez nahi hai मैं आपको बताता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, कैन यू मेक द नॉर्मल ऑन दिस रे? माय क्वेश्चन इज, कैन यू मेक द नॉर्मल हियर? कैन यू मेक द नॉर्मल? क्या इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल पे लाइन है। यानी नो नो As light ray itself on the normal path falling perpendicular to the surface, falling perpendicular to the surface of glass. मतलब 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है। तो ये फैक्ट है कि जब भी आप लाइट को, अच्छा इस पे अगर कोई नॉर्मल बनाने की कोशिश भी करता है ना तो क्या हो रहा है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है? मैं नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लैक से हो क्या रहा है? नॉर्मल इसी लाइट के पैरेलल है, मतलब इसी के ओवरलैप कर जाएगा। If we still try to make normal, it is
इफ वी स्टिल ट्राई टू मेक नॉर्मल इट इज पैरेलल टू द लाइट लाइट रे. सो इन सच केसेस सो इन सच केस लाइट does not refract. Sir. जी बेटा. So there won't be not even a little bit of effect on it क्योंकि change of medium हो रहा है. हाँ, change of medium तो हो रहा है. तो bending नहीं होगी, यानी कि refraction में bending नहीं हो रही. Refraction में no bending. मतलब no refraction means no bending. Bending नहीं होगी ना, no bending. But still other effects take place. No bending is observed. But still other effects of refraction takes place. Like speed of light is here v1, it is here v2 है. So still v1 जो है वो v2 से बड़ा होगा. Light slow हो जाएगी. और lambda 1 और lambda 2 और lambda 1 जो है वो बड़ा होगा और lambda 2 जो है वो छोटा होगा. मगर बेंडिंग नहीं हो रही सिर्फ. द लाइट डज नॉट बेंड. देयर इज नो बेंडिंग. डू नॉट रिफ्रैक्ट और बेंड. यानी कि बेंडिंग नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही लाइट. बट इसमें अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रैक्शन फिर भी ऑब्जर्व हो जाएगा. बट देयर इज नो विजिबल बेंडिंग. There is no refraction, exactly. Sir, does lambda remains the same? No. Lambda will change. Lambda in the faster speed medium is greater. Speed or lambda per change aega, or frequency same rahegi? हाँ, frequency same रहेगी. Always frequency same रहती है. तो भाई ये बड़ी गहरी बात थी. मैंने कहा यहीं पे discuss कर लो. इस पे सवाल तो आते हैं भाई. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पे लेके जा रहा हूं. आप लोग खुद देखिएगा कि ये हो क्या रहा है. थोड़ा सा मैं एक चीज बनाने दें, बस फिर हम बात करते हैं. ये मैं दो ग्लास ले रहा हूं. अच्छा भाई, ग्लास और ग्लास में बड़ा फर्क होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हर ग्लास एक जैसा होता है. जैसे एक आपका वो ग्लास है जो डाइनिंग टेबल में यूज होता है, इतना टेम्पर्ड मोटा ग्लास होता है. और एक वो ग्लास है जो आपका नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग जो ग्लास होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है. तो ग्लास ग्लास में बड़ा फर्क हो सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोनों ग्लासेस हैं, दोनों ग्लास मटेरियल है तो वो सेम है. ये डिफरेंट ग्लास है. अच्छा, इसके ऊपर मैंने लाइट को फॉल किया. और लाइट को फॉल किया तो लाइट को फॉल हुई 30 डिग्रीज पे. अच्छा जी, तो यही काम मैंने इसमें किया. और लाइट को मैंने इसमें फॉल किया इस वाले मीडियम में 30 डिग्रीज पे. तो आप कह रहे होंगे सर इसमें कौन सा कमाल हो गया एक ही एंगल पे मार के. मगर अब आगे की कहानी सुने. आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल बन रहा है 20, और ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई और इधर एंगल बन रहा है 10. माई क्वेश्चन इज Which glass block bends the light more? Bending the light more. जी जुनैर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हाँ भाई, कौन सा ग्लास लाइट को ज्यादा बेंड कर रहा है? Which glass is bending the light most? ओके, सो सोचने का वक्त दे रहा हूँ. सेकंड वाला, एग्जैक्टली.
तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ग्लास ब्लॉक इज मोर डेंस इज मोर डेंस मोर डेंसर देन फर्स्ट ग्लास ब्लॉक एज इट बेंड्स द लाइट मोस्ट, मतलब ज्यादा बेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये फैसला आपने तो कर लिया, मैंने भी कर लिया, तो इसका एक मैथमेटिकल डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम लाइट को ज्यादा बेंड करता है। इसके लिए मैथमेटिकल डिसीजन लिया जाता है, और मैथमेटिकल डिसीजन के लिए आप कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा मैथमेटिकल डिसीजन भी लेना पड़ेगा, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल डिसीजन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से शो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन ऑफ एंगल इन एयर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल इन मीडियम इन गिवन मीडियम। अच्छा जी, ये लगाने का तरीका भाई जरा सीख ले। अगर आप फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो साइन एयर कितना बन रहा है, साइन एयर बन रहा है साइन 30, यानी एंगल इन एयर इज 30, और इसको डिवाइड करेंगे साइन 20 से। दूसरे वाले में देखेंगे तो एन बराबर है, बेटा एन बराबर है साइन 30 अपॉन साइन 10 के। बेटा कोई कैलकुलेटर उठा के जरा आंसर बता दे इसका, कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। हाँ भाई प्लीज अच्छा सा आंसर बता दे जरा। पहले वाले का है 1.46 और दूसरे वाले का मैं बता दी। इसका क्या आ रहा था 1.46 के बाद क्या आ रहा था पहले में? एक सेकेंड हो गया। ठीक है, इसको तो राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में आप मुझे बता रही हैं 2. एक सेकेंड। हाँ तो 8.8 हो जाएगा ना, राउंड ऑफ हो गया। अच्छा भाई अब बताएं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आया, जिसका शक था ना मैं सेकंड का, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को बैंड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of sine of angle in less denser medium to the साइन ऑफ एंगल इन मोर डेंसर मीडियम। अच्छा, इफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दिएगा। इफ n is greater
दैट मीडियम, अच्छा मीडियम पे डिपेंड कर, दैट मीडियम हैज मोर कैपेबिलिटी, दैट मीडियम हैज मोर कैपेबिलिटी टू बैंड द लाइट, टू बैंड द लाइट. अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मटीरियल डिपेंडेंट इफ मटीरियल इज मोर डेंसर इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए इंडेक्स का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर होता है, इंडेक्स मतलब होता है ऑर्डर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जो मीडियम ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करता है उसका 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है. ठीक है, तो बड़ी आम फहम जबान में मैंने इसको समझाने की कोशिश की आप लोगों को. खैर अब एक और मसला है, आखिरी मसला है रिफ्रैक्शन का, मगर बड़ा गहरा मसला है, सुनिएगा जरा गौर से. बेटा ये क्या शो कर रहा हूं मैं, आप लोग खुद देखें, मैं ये कर क्या रहा हूं, आप खुद देखें, आप लोग खुद देखें, आप लोग खुद ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है. यहाँ पे लाइट की स्पीड थी 3 × 10^8 m/s, और यहाँ पर है 2 × 10^8 m/s. तो क्या हो रहा है इसमें, जरा कोई बताएगा कि हुआ क्या है, ये क्या किया है मैंने, क्या शो करना चाह रहा हूँ, क्या जाहिर करना चाह रहा हूँ इस बात से. बाहर स्पीड ज्यादा है. बाहर स्पीड ज्यादा है, तो बेटा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, और ये होता है स्पीड एयर अपॉन स्पीड इन एनी गिवन मीडियम. अच्छा अब अगर आप गौर से देखें तो एयर में स्पीड कितनी है, 3 × 10^8, और मीडियम में कितनी है, 2 × 10^8. 10^8, 10^8 कैंसिल, 3/2 का आंसर आएगा 1.5. बेटा एक बात तो जाहिर हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड की टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स की टर्म्स में पहले कैलकुलेट करना सिखाया मैं, उसमें साइन लगता है, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्पीड्स, बट इन बोथ केसेस, भले कैसे भी निकाले, बट इन बोथ केसेस इट हैज नो यूनिट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. Because it is the ratio of two similar quantities or शाबाश, same. सेम एंगल्स या उसका ही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज
यूनिट्स गेट कैंसिल आउट, यूनिट्स गेट कैंसिल आउट, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें मैंने इसमें लिखी है। तो रिफ्रैक्शन का हम लोगों ने टॉपिक देखा, रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया कि रिफ्रैक्शन एक बेंडिंग होती है, और फैक्ट बताया फिर एक, और फिर ये बताया कि रिफ्रैक्शन जो है वो किस हिसाब से हमारे पास वर्कआउट करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स और इन टर्म्स ऑफ स्पीड। स्पीड की टर्म्स में साइन लगाने की गलती मत कर दिएगा प्लीज, साइन मत लगाइएगा।